Sir, I have one question, so should ask you when the record is restored. Go ahead, ask. Should I ask now? Yes, you can ask. So sir, for example, I'm known to join a shadi mein jana hai ek do ghante baad. So if someone asking me, so how should I say to him in passive, I'm invited in within 40 tonight, or I was invited in within 40? You can use either. I can show you this. Wait a minute. इनका जो क्वेश्चन है कि आई एम इनवाइटेड होगा या आई हैव बीन इनवाइटेड होगा, ओके, और आई वाज इनवाइटेड, या आई वाज इनवाइटेड होगा. इफ वी हैव टुनाइट सर, इफ वी हैव टुनाइट, सो इट्स ओके. वेट अ मिनट. इनवाइटेड. सी, ये तो चलो ये स्टोरी टेलिंग है. आई वॉज इन्वाइटेड की तो जरूरत नहीं है. ये तो होगा कि अच्छा आई वॉज इन्वाइटेड यस्टरडे, डे फॉर यस्टरडे, ये तो पास्ट हो गया, इसकी तो जरूरत ही नहीं, तो ये तो इलेमिनेट कर देते, हटा देते. ये जो दो है ये बहुत कंफ्यूज करता है कि आई एम इन्वाइटेड या आई हैव बिन इन्वाइटेड. अब मैं आपको समझाता हूँ. आपने कभी ऐसा सुना है आई एम डन, कभी सुना है? यस सर. और एक बंदा बोलेगा कि आई हैव डन, यू नो. तो ये वही वाली कंफ्यूजन है, और ये दोनों ही करेक्ट है, दोनों अलाउड है. फर्क क्या है कि एक पूरा का पूरा पैसिव है, इसके अंदर दिखता है कि मुझे इनवाइट किया गया है. ये पूरा एक अंदाज है बोलने का, यू नो आई हैव बीन इनवाइटेड, मुझको इनवाइट किया गया है, और इसका मतलब है कि मैं आमंत्रित हूँ. मतलब ये एडजेक्टिव हो गया, मैं भी आमंत्रित हूँ भाई, जैसे तू आमंत्रित है, यू आर इन्वाइटेड, लाइकवाइज आई एम ऑल्सो इन्वाइटेड. तो ये आपका मतलब दोनों चलेगा ना. अगर कोई पार्टी में जा रहा है, मैं कह रहा हूँ कि आई एम ऑल्सो इन्वाइटेड, शी इज ऑल्सो इन्वाइटेड, इसका मतलब ये भी आमंत्रित है, मैं भी आमंत्रित हूँ. अब मेरे मन में ये आएगा कि मैं आमंत्रित हूँ तो मैं एम लगाऊंगा. मेरे मन में आएगा कि मुझे भी आमंत्रित किया गया है भाई, तो मैं ये हैव बीन लगाऊंगा. दोनों ही सूट करेगा, मेरे मुँह से जो निकल जाए. तो ऊपर वाला पैसिव नहीं है, जो आई एम वाला है ये पैसिव नहीं है. जैसे कि मैं बोलूँ कि I am surprised. Nice. I am surprised. यानी कि मैं चकित हूँ. मैं बोलूँ कि I am shocked. मैं shocked हूँ, सदमे में हूँ. उसी तरीके से I am invited. मैं आमंत्रित हूँ. तो ये difference है जी. और दोनों का मतलब वही है कि आप आमंत्रित तो यहाँ भी हैं. लेकिन यहाँ आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप कहना चाह रहे हैं कि मुझे आमंत्रित किया गया है. बस आप इतना कहना चाह रहे हैं. ऊपर वाले में आप बस इतना कह रहे हैं कि मैं आमंत्रित हूँ. यही फर्क है, जैसे हिंदी में फर्क है वैसे अंग्रेजी में फर्क. I'm invited here, ये adjective है, आप invited का इस्तेमाल करो. कहने का मतलब है कि हम ये जो state of being है ना, am, is, are, was, were, will be, इसके बाद हम क्या क्या लगा सकते हैं? हम adjective लगा सकते हैं, okay? हम इसके बाद और क्या लगा सकते हैं? Noun लगा सकते हैं. हम नाउन फ्रेज भी लगा सकते हैं. नाउन फ्रेज सर 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 हैज बीन और हैड बीन भी तो हाँ, मैं वो जानबूझ के नहीं ले रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि फिर कंफ्यूजन पैदा करेगा. वो मैं टाइम ड्यूरेशन में ले लूंगा. ओके सर. नाउन फ्रेज, इसलिए मैं अभी मैं इसका नाम ले रहा हूँ. तो नाउन फ्रेज, और हम चाहें तो इसके अंदर कभी आप आगे पढ़ोगे कि हम नाउन क्लॉज भी ले सकते हैं. नाउन क्लॉज भी हम उठा सकते हैं, इतना हम लगा सकते हैं. तो जैसे कि अगर मैं कहता हूँ ही इज अ टीचर, अब टीचर एक नाउन है, टीचर तो एक नाउन है ना, तो कैसे इज के साथ आपने देखा कि यहाँ पर एक नाउन आ गया है. अगर मैं कह देता हूँ कि ही इज माई फ्रेंड, तो माई से लेकर फ्रेंड तक आपका एक नाउन फ्रेज हो गया, एक छोटा सा फ्रेज हो गया. ओके अगर आप कह देते हैं कि ही इज एक्साइटेड, ऑडियो ऑफ कर लीजिए, शोर बहुत आ रहा है. ही इज एक्साइटेड, तो एक्साइटेड एक एडजेक्टिव हो गया. तो आप देख रहे हैं कि एडजेक्टिव भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, नाउन भी इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमने नाउन फ्रेज भी इस्तेमाल कर लिया. नाउन क्लॉज क्या होता है? मैंने बोला कि दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक. अब देखो इज के बाद हम सब में क्या बात कर रहे हैं कि इज आर एम के बाद क्या क्या लगेगा. देख रहे हैं इज आर एम वाज वर विल बी के बाद क्या क्या लगेगा, तो इनमें से कुछ भी लग सकता है. तो ये नाउन क्लॉज है. दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक,
यहाँ व्हाट का मतलब है जो, यहाँ व्हाट का मतलब क्या नहीं है, जो मैं पसंद नहीं करता हूँ, दिस इज व्हाट आई करता हूँ, कि यही तो मैं पसंद नहीं करता, दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक, इतना सब कुछ हम लगा सकते हैं. तो हम ये इसको among of this which one should I use? I am invited, I was, I have been. You have I to think say, I am invited. I am invited is correct. I am invited. Because you are still invited. Sorry, one thing more. Yeah. Is this video is being recorded? Yes, yes. This video is being recorded, buddy. Okay. You can watch it. Sir, you can watch it. No issue. Okay, fine. But जब तक ये screen share होता है, तब तक आप लोग नहीं दिखते हो. मैं भी नहीं दिखता हूँ. आपने देखा होगा कभी video? कोई नहीं दिखता है. सिर्फ मैं बोलता हूँ, लिखता हूँ, वही दिखता है. Yeah. Fine, guys. चलिए तो इसको हटाया जाए, फिर आप लोगों की शक्लें दिखाई जाए. हाँ जी, हाँ जी. या अकबरी, नाउ यू आर आल्सो बीइंग रिकॉर्डेड. ओके, फाइन. नीतू, गुड इवनिंग सर. गुड इवनिंग नीतू. नीतू, यू हैव दिस बैच. नीतू हैज दिस. नीतू, इज इट योर फर्स्ट डे? यस यस सर. ओके ओके, आई थॉट इट 6 o'clock. 7 o'clock, fine, fine. 7 o'clock, sir. 7 o'clock, that's fine, that's fine. Actually, this batch is not basic batch. In this batch, like we are, I mean, we have already learned tenses, passive, but we are repeating those things again and again. We are revising those things, you know. Yes, sir. So, yeah, आज तो चलो. It's a kind of practice. Yeah, it's a kind of practice. So, आज तो चलो confusion वाला round है. But मंडे से हम इंग्लिश बोलेंगे, स्टोरीज बोलनी पड़ेगी आप लोगों को मंडे से, और मैं फीडबैक दूंगा कि आपने कितना अच्छा बोला, कितना गलत बोला, ये होगा. ओके सर, ठीक है. और नीतू, ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, तो आप दिख रही हैं, तो यूट्यूब पे भी आप दिखेंगे, ठीक है. तो अगर प्रॉब्लम ना हो तो कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत लोग अपना कैमरा बंद कर लेते हैं डर के मारे. तो कोई नहीं, इसमें डरना क्या है, डरना क्या है. हाँ पूछिए, सुमन पूछिए आप. सर डाउट ये है कि सर, जब हम लोग कोई पुराना हैबिट के बारे में बताते हैं, उसमें हम लोग यूज्ड टू और वुड लगाते हैं. जैसे कि सपोज कीजिए कि या ग्रैंडपा लोग मतलब बताते हैं अपना हैबिट्स, या हम लोग स्कूल जाते थे तो बताते थे कि हम मैं स्कूल जाता था तो पढ़ाई करता था, और ये बहुत सारी एक्टिविटीज एकदम मतलब कंटिन्यूसली चलते आ रहा है. रख लीजिए मुँह के पास, रख लीजिए माइक, रख लीजिए. एकदम वो कंटिन्यूसली वो चलते आ रहा है कि मैं ये करता था, मैं वो करता था, मैं भी पढ़ाई करता था. तो क्या हम लोग उसका यूज्ड टू सिर्फ यूज करते रहेंगे? नहीं नहीं, आई यूज्ड टू की रेल बनाएंगे तो बुरा लगेगा. तो यूज्ड टू, वुड और एक बार सेकंड फॉर्म मैं जरा बताता हूँ. मैं करता हूँ एक पैराग्राफ. अर्जु, अच्छा. हे अर्जु, हाउ आर यू? या शी ड्रेस अप फॉर गुड. शी ड्रेस अप, शी विल गो टू द पार्टी. आई एम गोइंग टू पार्टी, बिग पार्टी टुनाइट. सॉरी. Okay. I couldn't attend the class. Okay, so you won't be able to take the class? Yeah? No. Sorry to disturb you, sir. Okay, no problem, no problem. You have fun, enjoy the party. Okay. Thank you. Okay, dear, okay. फाइन गाइस, तो एक डाउट लेते हैं इनका. ऋतिक रोशन भाई साहब को, सॉरी सुमन यादव का एक डाउट है. ओके, इनके सिक्स पैक दिखा रहे हैं, तो इनके डाउट को लेते हैं गाइस. ओके चलो सुमन शुरू करते हैं. ओके पुनीत, सेव कर दूं क्या फाइल? यस सर. यस सर, ठीक है, कर देंगे. अभी इनका सवाल है कि अगर हम कोई पास्ट हैबिट की बात करते हैं तो क्या हम यूज टू की ही रेल बनाए या कुछ और भी हो सकता है? रूल कहता है कि बार बार एक ही चीज यूज ना करें, यूज टू बोले, कभी कभी वुड लगा दे, और कभी कभी 20 सेकेंड ही लगा दे. पहले क्या होता था, लोग 20 सेकेंड ही ज़्यादा लगाते थे. ऐसे मैं बोलूँ कि मैं उससे प्यार करता था तो मैं बोलूँगा आई लव्ड हर, आई लव्ड हर. तो यानी कि इसमें वो भी फीलिंग आ गई कि ये नहीं हुआ कि मैंने प्यार किया, मैं प्यार करता था, ये फीलिंग भी सेकेंड फॉर्म में आता है. बट लोग क्या करते हैं, लोगों को वो अच्छा नहीं लगता बोलने में, उनको लगता है जैसे कि मैं गया तो आई वेंट, ये फीलिंग क्या देता है कि मैं गया. लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मैं जाता था तो लोग वेंट नहीं बोलना चाहेंगे, उनको अच्छा नहीं लगता, हालांकि ये भी करेक्ट है. तो कुल मिलाकर लोग कहाँ पर अटकते हैं, वो इन जगहों पर यूज टू का इस्तेमाल करना चाहते हैं. तो सेकेंड फॉर्म को कहीं ना कहीं इग्नोर सा कर दिया गया है, हालांकि अलाउड है. तो अगर मैं इसको इग्नोर कर भी दूँ तो यूज टू बचा, वुड बचा. ऑडियो ऑफ कर लीजिए जरा. अब है कि मैं बोला कि मैं पार्क जाया करता था, तो मैं क्या बोलूंगा कि आई यूज टू गो टू पार्क, मैं ऐसा बोल दिया. अब मैं तीन चार और सेंटेंस बोलूँ, मैं पार्क में बैठा करता था, अब क्या होगा? फिर मैं बोलूंगा आई यूज टू
sit in the park. Okay, मैं अपने दोस्तों से बात किया करता था, अब फिर बोलना पड़ेगा. क्या used to talk to my talk to my friend. Talk के साथ to ही लगाइए, with बहुत आप लोग लगाते हैं. ठीक है. तो अब है कि इतना used to सुन के ना इंसान पक सा जाता है, बोलने वाला भी थक जाता है. इसीलिए आजकल आप कोई स्टोरी बुक पढ़ेंगे तो आपको ऐसे दिखाई देगा कि आई वुड, यूज टू की जगह दिखाई देगा वुड, कि नो आई वुड टॉक टू माई फ्रेंड्स. बंदा यूज टू से शुरू करेगा, एक दो लाइन यूज टू बोलेगा, फिर वो वुड पे आ जाएगा. भी बोलेगा कि मैं मंदिर जाता था, बोलेगा आई वुड गो टू टेम्पल. हम फन करते थे, वी वुड हैव फन. इस तरीके से भी आप चालू कर सकते हैं. अब है कि तो क्या यूज्ड टू और वुड एक ही है? तो एक जगह ये एक नहीं है, बाकी जगह एक है. एक दो जगह ये एक नहीं है, मैं आपको समझा दूं पहले. सर इसमें वुड के साथ हैव कैसे आया? ये फर्स्ट फॉर्म है, वुड के साथ ये फर्स्ट फॉर्म है. हैव फन नहीं होता, हैव फन. ओके ठीक है, ठीक ओके, वो वाला है. अब यहां पर अगर मैं कह दूं कि क्या यूज्ड टू इज इक्वल टू वुड, क्या बिल्कुल मैं एक मानूं, तो कहता है कि सिर्फ एक ही जगह ये एक है और वो जगह है एक्शन. जब एक्शन की बात करेंगे, हाँ जी, तो आप दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं. खूब आप इस्तेमाल कीजिए. आप एक बार यूज टू बोलिए, क्या यूज टू, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेला करता था. फिर आप बोल दीजिए कि मैं हमेशा बैटिंग किया करता था. आई वुड ऑलवेज चूज बैट फर्स्ट, है ना. आप ऐसे कह सकते हैं. तो ये तो हो गया एक जगह. आप दो जगह आप नहीं बोलेंगे, वो जगह कौन सा है मैं लिख देता हूँ कि जहां पर आ जाएगा. अब तो आदत हो गई होगी, स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ पोजीशन. तीसरा आपका स्टेट ऑफ पोजीशन, स्टेट ऑफ पोजीशन. फाइन गाइस, सर तो हम लोग मैक्सिमम यूज हम लोग वुड का कर सकते हैं. यूज टू थोड़ा यूज टू कम यूज करें, वुड का ज्यादा करें. और आजकल वाकई वुड का इस्तेमाल हो रहा है, मतलब कोई स्टोरी बुक प्रॉब्लम नहीं है ना सर. बोलिए, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं कोई, मैं पूरे चैनल पे बोल रहा हूँ, यूट्यूब पे कोई तकलीफ नहीं है, उससे कोई तकलीफ नहीं है. लेकिन हम कोई इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो वहाँ पूछता है कि टेल मी अबाउट योर स्कूल लाइफ. तो फिर हम लोग स्कूल लाइफ में जो भी किए हैं वो एक पुराना हैबिट की तरह है कि हम लोग पढ़ाई करते थे, सर का रिस्पेक्ट करते थे, फिर हम लोग घर आते थे. तो वहाँ पे यूज टू वुड बहुत कंफ्यूज करता है. दोनों का इस्तेमाल कीजिए, बट कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जिनको ये पता नहीं है कि वुड यहाँ भी यूज होता है. उनको लगता है कि वुड अभी भी मॉडल ही है वो, यू नो. यस सर, यस सर. वो वुड को या तो वो पास्ट का वो समझेंगे, पास्ट का जो फ्यूचर हो जाता है ना, विल का वुड हो जाता है कि आई थॉट कि वो आएगी, आई थॉट शी वुड कम, यहाँ तक, या वही आई वुड लाइक टू डू, वुड यू डू दिस, यही तक पता है. उनको ये नहीं पता कि यूज टू की जगह भी वुड है. कई लोग इस क्लास में तो चलो सबको पता है, तो वो कंफ्यूज हो जाएंगे. लेकिन जो इंटरव्यू ले रहा है वो तो इतना जानता ही होगा ना, तभी तो इंटरव्यू ले रहा है. हाँ सर. तो फुल अलाउड. मैं खुद जब बोलता हूँ तो मैं यूज टू की रेल नहीं बनाता हूँ, मैं आराम से यूज करता हूँ, मैं वुड लगाता हूँ. ठीक है जी, चलिए फिर आप लोगों की तरफ आते हैं. यस बड़ी. तो ये कंफ्यूजन राउंड है, मैं भी आप लोगों से कुछ पूछ सकता हूँ. ठीक है सर, एक कमेंट था आज मैं बैंक गया था. यस सर, डेफिनेटली यू. ओके सर, एक कमेंट था, मतलब एक एक्चुअली बैंक में कुछ आर्गुमेंट हो गया था, तो एक लेडी ने बैंक वालों को बोला था सारे कुत्ते बैठे हुए हैं, इसको क्या बोलेंगे? कुत्ते तो कुत्ते, मतलब वो डिस्कशन हो गया था कुछ. मतलब वो क्या है सर, वो मतलब उसको एडजेक्टिव बोलेंगे, क्या बोलेंगे? मतलब वो मतलब बड़ी रूडली बोली थी लेडी ने उन बंदों को, परेशान कर रखा था उनको. हां तो एडजेक्टिव ही एनिमल बना दिया सबको. ऑल आर वही ऑल आर कुत्ते तो कुत्ते ही हैं, तो डॉग्स ही बोले कि ऑल आर डॉग्स, ऑल आर बिहेविंग लाइक डॉग्स. उसने इंग्लिश में बोला था? नहीं इंग्लिश में नहीं, एक्चुअली लड़ रही थी वो. मतलब वो लेडीज के पेमेंट वो दे नहीं रहे थे, कुछ इशू था उसके, सिग्नेचर में इशू आ रहा था उसका, एटीएम उन्होंने ब्लॉक कर रखा था और सिग्नेचर मैच नहीं हो रहे थे. तो मतलब एजेड लेडी थी, 80-85 के आसपास, तो गुस्से में बोली थी उनके लिए. हाँ तो मतलब कि सारे यूजलेस हैं, मतलब इनकी वैल्यू नहीं है. कुत्ता मतलब एक उसने एक बेसिक लैंग्वेज है, उससे तुलना कर दी उसकी, तो यही है कुछ खास. सर एक क्वेश्चन है सर जी, क्वेश्चन ये है कि सर मान के चलिए मैं कोई फ्रेंड के घर गया, अपने फ्रेंड के घर, और वो घर पे नहीं है, और मैंने उससे पूछा उसकी मम्मी से कि कहाँ गया, तो वेयर डिड ही गो या वेयर हैज ही गॉन? वेयर हैज ही गॉन, हां हां हैज ही गॉन. आप उसको यहां बोलिए कि वेयर हैज ही गॉन,
और कल की बात रहे सर, कल यस्टरडे अगर मैं कल समझ गया, मैं समझ गया वहाँ पर डिड ही बोलेंगे। जैसे मैं अभी गया मैंने कहा कि अच्छा आंटी कल वो कहाँ गया था, अगर ऐसे बोलना है तो या उसी से पूछना हो कि कल तुम कहाँ थे, तो where did you go? Where did you go yesterday? Where were you yesterday? ओके, लेकिन अभी मैं जाता हूँ, मैं सुमन के घर जाता हूँ, मैंने कहा कि मम्मी से कि अच्छा आंटी, या तो मैं बोलूँगा वेयर इज सुमन, सुमन कहाँ है, सुमन कहाँ है, या वेयर हैज ही गॉन, वो कहाँ गया हुआ, ये सूट करता है। तो लेकिन मैं बार बार कहता हूँ कि इन जगहों पर डिड लोग डाल देते हैं, डिड डाल देते हैं और ये कोई गलत भी नहीं करता है, ये चलता आ रहा है तो मानना पड़ेगा, बट प्रेजेंट परफेक्ट को ही हाई रखिए यहाँ पर। चलिए गाइस, अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लाइटली, मेरा भी एक डाउट था। हां लाइट क्या, अल्फोंसा क्या कह रही, लाइटली लाइकली लाइकली, ये कैसा वर्ड, लाइकली क्या है, हां लाइट लाइकली 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 लाइक संभावना के लिए, संभावना आस्किंग अबाउट लाइकली, अच्छा लाइकली, ओके मैं समझा सकता हूं। यहाँ शायद इन्होंने ये पूछा तो नहीं, लाइकली ऐसा पूछा, यही वाला, यस सर। न्यूज़पेपर में काफी इसका इस्तेमाल है, अब मैं हिंदी बोलूंगा तो इनके समझ में नहीं आएगा, इसका मतलब होता है कुछ होने की संभावना है, संभावना का मतलब है कि यू समझो कि बस होने ही वाला है, तो अगर मैं ऐसा बोलूं, हाँ वही वाली फीलिंग ही देता है। मैं बोलूं कि इट इज लाइकली टू रेन, अगर मैं कुछ ऐसा बोलता हूँ तो यू समझो कि बस बारिश होने वाली है, बारिश होने की संभावना है, संभावना है, तो संभावना का मतलब कि दिख गया होगा कि बादल है आकाश में, तो हम कह सकते हैं कि इट इज लाइकली टू रेन। पर यहां पे वुड यूज नहीं कर सकते अजम्पशन के लिए, अच्छा उसमें कह रहे हैं कि शायद होगी, तो ऐसे तो उसमें इन लोग माइट ज्यादा यूज करते हैं कि इट माइट रेन या इट मे रेन, इट मे रेन ऐसा है, लेकिन इट वुड रेन थोड़ा सा कम नहीं, वुड मतलब हाँ, ये कर सकते हैं। अच्छा अबाउट टू में थोड़ा और जल्दी लगता है, ज्योति जी अबाउट टू में ऐसा लगता है कि बस समझो बारिश हो गई, थोड़ा लाइकली से भी ज्यादा वो नजदीकता दिखा देता है, क्या बोलते हैं, लाइकली सर पॉसिबिलिटी, हाँ लाइकली पॉसिबिलिटी है, और सेम लाइक मे बी और माइट बी, हाँ हाँ वो उसी तरीके से, मतलब किसी चीज को हम देख कर अंदाजा लगा रहे कि होने की भैया संभावना तो दिख रही है, ओके तो हम लाइकली लगा सर, वी कैन आल्सो से इट वुड बी रेनिंग इन 2 मिनट, कह सकते हैं लाइकली वी ऑलवेज सर वी फाइंड इट न्यूज़पेपर, हां बहुत, और खाली लाइकली नहीं, आपको लाइकली के साथ टू बी भी दिखाई देगा, यस सर लाइकली टू बी, और हो सकता है कभी-कभी आपको वी 3 भी दिखाई दे इसके साथ, लाइकली टू बी इट टू बी, आपको ऐसा भी दिखाई दे सकता है कि सपोज टू बी, हाँ जी हाँ जी बहुत सारे, जैसे कि मैं बोलूँ कि दिस वर्क इज लाइकली लाइकली टू बी डन, अगर मैं ऐसा बोल देता हूँ टू बी डन, तो यानी कि ये काम होने की संभावना है कि काम कर दिया जाएगा, ये संभावना दिखती है, तो बस यही सर, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर बता दें जैसे थर्ड फॉर्म, एक मिनट सर, वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म, ठीक है मैं वो भी समझा देता हूँ, हेलो सर बोलिए बोलिए, हैड और हैव बता दीजिए, हैड और हैव, हैव का फर्क बता दूं, हां ठीक है। अच्छा ज्योति जो आप कह रही कि मतलब कि तुमने खाना खा लिया, हैड यू कंप्लीटेड, हैव यू कंप्लीटेड, तुमने खाना खा लिया, ये हैव यू कंप्लीटेड, ठीक है मैं कोशिश करता हूं, जो जैसा पूछना चाह रही मैं कोशिश करके देखता हूं। मैं ये पूछ रही थी अगर हमें कोई स्ट्रक्चर लिखना है या बड़ा सेंटेंस है और हम उसे शॉर्ट में करना चाहते हैं, एडवांस स्ट्रक्चर के साथ करना चाहते हैं, सर वो भी बता दें, थोड़ा प्रैक्टिस कर लेंगे, जैसे मान लीजिए मैं कोई ट्रांसलेशन कर रही हूँ, कुछ कर रही हूँ, उसको मैं बहुत 3-4 लाइन है, उसको मैं 2 लाइन में करना चाह रही हूँ, कैसे प्रीपोजिशन एंड और वो स्ट्रक्चर हैं सर, कैसे जोड़ करके उसको मैं सारी बातों को कह दूँ कम शब्दों में, इसके लिए एक फुल गारंटी नहीं कि फुल गारंटी नहीं कि हर सेंटेंस टूट जाएगा, बट 3 चीज़ें मैं लिखता हूँ, अब पहले मैं वो गुच्छेदार सेंटेंस लाऊंगा और उसको तोड़ना पहले सिखाना होगा, मुझे मटेरियल इकट्ठा करना पड़ेगा, जैसे कि सर वही वो वाला सर सिखा रहे हैं, क्योंकि मैं इकट्ठा करके ही लाऊंगा, जैसे कि उसके हम मतलब हमारे पास ये हथियार होते हैं कि पार्टिसिपल का हम सहारा ले लेते हैं, तो पार्टिसिपल से हमें बहुत कुछ फ़ायदा मिल जाता है, जिसके अंदर हमारा आ गया
प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो ये कुछ हद तक ये हेल्प कर देगा, कहीं कहीं पास्ट पार्टिसिपल हेल्प कर देगा, और कई जगह पर परफेक्ट हेल्प कर देता है. परफेक्ट पार्टिसिपल थोड़ा टाइम का हेर फेर होता है. जैसे कि अगर ये तीन है तो हमें देखना पड़ता है कि इसमें तीनों में से सूट कर रहा है कि नहीं. मान लो सेंटेंस बड़े बड़े हैं, ये मान लो कि हम ये हथियार लेकर के चल रहे हैं कि ये हो गया हमारा. इसके बाद हम तुरंत आ जाते हैं थोड़ा सा और छोटा करने के लिए, हम क्लॉज का सहारा ले लेते हैं. तो क्लॉज के अंदर आपको पता ही है कि एडजेक्टिव वाला क्लॉज काफ़ी हेल्प कर देता है आपको छोटा करने के लिए. तो ये है. और कई बार होता है कि क्लॉज भी अगर ज़्यादा बड़ा लगता है तो मैंने देखा है कि एडजेक्टिव क्लॉज को छोटा करके एडजेक्टिव फ्रेज बना देते हैं, ऐसा भी किया जाता है. तो मैं क्या करूँगा आपके लिए कि पहले मुझे वो कुछ बड़े बड़े सेंटेंस रखने होंगे, फिर उनको मैं इनके माध्यम से कन्वर्ट कर सकता हूँ कि नहीं, वो करके लाना पड़ेगा. तो थोड़ा आप वक्त मुझे दीजिए, मैं इस पर थोड़ी तैयारी करके आऊँगा, क्योंकि अभी मैं ऑन द स्पॉट कैसे कोई सेंटेंस बताऊँ. मतलब ये तो मैं पढ़ा दूंगा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल ये है ये है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि गुच्छेदार कोई सेंटेंस हो और उसको छोटा मैं कर दूँ इनका सहारा लेकर के. सर, आई गॉट अ क्वेश्चन. स्पॉट और लोकेशन, स्पॉट और लोकेशन, स्पॉट एंड लोकेशन, या इज इट इंटरचेंजेबल? जैसे कि आई एम एट दिस स्पॉट, आई एम एट द स्पॉट, आई एम ओके, और आई एम एट द लोकेशन, मैं लोकेशन पे. सी स्पॉट हो या लोकेशन हो, ये दोनों ही दिखाता है उस प्लेस को. लेकिन स्पॉट एग्जैक्टली खासकर वही पॉइंट को दिखाता है. मान लीजिए कि ये मेरा लोकेशन है, मैं इस लोकेशन पे रहता हूँ, बट इस लोकेशन पे, इस स्पॉट पे कोई हादसा हुआ, कुछ हुआ, ओके, तो इस पे स्पॉट जो है उस पूरे लोकेशन में किस खास को दिखाता है. मतलब कहते हैं ना कि एक वन पॉइंट, वन स्पॉट, उस पॉइंट को दिखाता है, स्पेसिफिक कर देता है. I am not at that spot where you met me yesterday. Correct है, correct है. और sentence भी आपका correct है. Yeah. I am not at that भी लगा सकते हैं, the भी लगा सकते हैं. जैसे I am not at that भी लगा सकते हैं. I am not at that spot where you met me yesterday. Correct है. अब जैसे ये भी ज्योति जी, ये भी एक सेंटेंस हो गया कि हमने जोड़ दिया, जैसे देख रहे हैं वेयर से जुड़ गया है. तो इस तरह के क्लॉजेस सीखने पड़ेंगे आपको. सर हम लोग वुड एंड यू, बोले सर. हाँ, ये हिना को मैं थोड़ा समझा दो. तो हिना वेटिंग में. हाँ, ठीक सर. इसमें कैसे प्रैक्टिस करें कि ये हो जाए, जैसे कम एडवांस सर लिखने की ये स्किल डेवलप हो जाए? मुझे लगता है ये तभी हो पाएगा कि मैं कुछ ऐसा हिंदी ही लाऊंगा और मैं ट्रांसलेट ऑन द स्पॉट आपसे कराऊंगा, तभी हो सकता है. जैसे कि यस सर, ये ऐसा ही करना पड़ेगा, क्योंकि कई सेंटेंसेस में मुझे इंग्लिश में समझ ही नहीं आता कि वो क्या लिखा हुआ है. वही, जैसे अभी मैं अगर एक एक करके एडजेक्टिव क्लॉज पढ़ा दूं तो सबको पता है कि हु लगेगा, विच लगेगा. यस यस. लेकिन जब हम सोचने बैठते हैं तो हम उसको छोटा नहीं कर पाते, हम टुकड़े में ज्यादा फैला देते हैं. सर मैं ये चाह रही थी कि एक दिन एक ऐसी क्लास ले लें, जैसे सर एडजेक्टिव क्लास है ये पार्टिसिपल है सर, थोड़ा थोड़ा करके आधे घंटे के अंदर बता दें, तो सर फिर हम लोग कनेक्ट करना शुरू कर देंगे, क्योंकि हम लोग सर बहुत सारे स्ट्रक्चर सीख चुके हैं. अगर हम इसको थोड़ा थोड़ा एक दो दो मिनट में आप बता दें तो फिर हम लोग उसको सर कर सकते हैं. एक दो दिन सर क्लास रख दें तो बहुत सारे लोगों को सर ऐसी प्रॉब्लम आ रही है कि जैसे वो भी बताया कि हम इंग्लिश पूरी पढ़ तो लेते हैं लेकिन एग्जैक्ट मीनिंग नहीं समझ पाते हैं. ओके, तो फिर ऐसा करना होगा. मतलब sir. जैसे कि मैं एक गुच्छेदार हिंदी का पैराग्राफ टाइप लाऊंगा और उसको मैं बोलूंगा कि इसे कन्वर्ट कीजिए, तो उसमें बता सकता हूँ कि हाँ इसमें हम अगर ये एडजेक्टिव क्लॉज लगा देंगे तो छोटा हो जाएगा, या इस तरीके से करना पड़ेगा. सर ये सप्ताह में एक दो दिन ऐसे कर दें तो हम लोग के पास 1 आवर होते हैं, 15 मिनट में सबके लिए सर अच्छा हो जाएगा. एक ये हो सकता है लिखने सर. और दूसरा होता है कि जी. और दूसरा होता है कि अंग्रेजी में ही मान लो गुच्छेदार लिखा हुआ, उसकी हिंदी करनी है, तो एक ये भी क्लास हो सकती है. ये सर दोनों ही उसमें 15 मिनट रख देंगे सबके लिए सर, ये बेनिफिशियल होने वाला है सर ये तो. ठीक, अच्छा सजेशन है, मैं काम करता हूँ.
अब ये है कि मुझे वो ढूंढना पड़ेगा ना गुच्छेदार, मैं लाऊंगा कहाँ से, तो मैं ढूंढूंगा, थोड़ा वक्त दीजिए मैं। सर वो तो सर मंडे को कर लेंगे। सर 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 मैं एक सजेशन दूं सर, एक्चुअली हमारे ना मेल आते हैं, हमारे ना जो एक्चुअली एचआर हेड है वो यूएस से है। अच्छा। उनका मेल बड़ा टिपिकल लिखते हैं, मतलब फुली हाई फाई लिखते हैं वो। उनका मेल में आप जो मैम बात कर रही हो सब कुछ लिखा मिलता है, मतलब उसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, टाइम लगता है वो। एक्चुअली उनका दो दो पेज का मेल आता है, बहुत लंबा मेल आता है। तो आप वही मुझे भेज दे अगर अलाउड हो तो, मैं उसको नहीं नहीं मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके भेज दूं। मेल से तो अलाउ नहीं है, सिस्टम अलाउ अच्छा, नहीं करेगा मेरे को। अच्छा, मैं आपको स्क्रीनशॉट लेके मेल कर सकता हूँ। ठीक है। हाँ, तो ग्रुप में आप कर दें, पुनीत जी आप ग्रुप में कर दीजिए, हम लोग भी देखेंगे सर, प्रैक्टिस करेंगे, कोई चीज समझ में नहीं आती है तो वो करने के लिए। वो बहुत अच्छा, मतलब उनका उनका मेल बहुत अच्छा लिखते हैं। जी 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 सर, जो इजी पार्ट है मोस्टली सबको आता है, लेकिन सर हम लोग जब थोड़ा और टफ स्ट्रक्चर में जाएंगे ना तो हम लोग और मतलब तब दिमाग लगाएंगे, अभी सर ज्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, मैं इस सजेशन को लेता हूं और डेफिनेटली वी विल वर्क ऑन दैट। मैं बोली शीतल, बोली बोली यूज्ड टू एंड, हां सर यूज्ड टू एंड वुड में जो डिफरेंस है ना सर, वो थोड़ा एक बार बता देना ना। एक्चुअली आई मिस दैट इफ पॉसिबल। मिस कहां पे हम लोग यूज्ड टू की जगह पे वुड नहीं यूज कर सकते हैं? आपने अभी क्लास ज्वाइन किया, अब थी उस वक्त मैं पढ़ा रहा था तो शायद नहीं थी, हाँ मैं बट थोड़ा लेट ज्वाइन हो गई थी। ठीक है, मैं दोबारा समझा दूंगा। एक बार मैं हिना का सवाल उठाता हूँ, हिना ने कुछ कहा था, वो हैव हैड कुछ कहा था ऐसा। ओके ठीक है, कोशिश करते हैं। बाकी ज्योति जी के आइडिया पे मैं बिल्कुल काम करूंगा, सही है। ओके जी, हिना आपका जो सवाल है, आप ये कहना चाह रहे हो कि मतलब किसी ने बोला कि हैव यू ईटन फूड, तो ये सही है कि उसको ये बोलना चाहिए कि हैड यू ईटन फूड, ऐसा? ओके तो ये तो दोनों में डिफरेंस बता दो। अच्छा, दोनों में डिफरेंस क्या है? ठीक है, तो डिफरेंस ऐसे करते हैं, एक प्रेजेंट का एक पास्ट का है। मान लीजिए कि हम अभी अभी की बात कर लेते हैं, अभी आप घर पे हो और अचानक आपको अपनी मम्मी से बोलना है कि मम्मी अब हिंदी सोचो, भोजपुरी सोचो, कि मम्मी क्या आपने खाना खा लिया, तो वहां पर आपको यही बोलना होगा कि मम्मा हैव यू ईटन फूड। क्यों ऐसा कह रहे हैं? क्योंकि हम प्रेजेंट में खड़े हैं और प्रेजेंट में ये काम हुआ कि नहीं हुआ ये उगलवाने के लिए हम इसका सहारा लेते हैं, तो ये करेक्ट है। हैड यू हम नहीं बोल सकते हैं। ये हैड यू हम कब बोलेंगे? कि हम अभी बात कर रहे हैं, प्रेजेंट में है और बात हम कर रहे हैं कल परसों नरसों की, हम कह रहे हैं कि अच्छा जब तुम उसके कमरे में गई थी तो वो खाना उना पहले ही खा चुका था क्या, ऐसा बोलना है। तो मैं क्या बोलूँगा कि क्या वो खा चुका था, हैड ही ईटन फूड बिफोर यू entered his room, entered had you eaten food, अगर कोई इस तरीके से इस सिचुएशन में कह रहा है तो गलत कह रहा है। had you eaten food को कैसे बोल सकता है, मतलब अभी हम बैठे सर इसमें एक ये है कि जैसे मैं अभी हूँ और हमारे पास छोटा बेबी आता तो मैंने उससे पूछा क्या तुमने ब्रेकफास्ट कर लिया, हम have से पूछेंगे या did से पूछेंगे? Have से पूछेंगे, did. नहीं नहीं पूछेंगे have से, पूछेंगे have से, बट मैंने कहा ना कि इस यहाँ पर did लोग लगाते हैं तो मैं उसको मना नहीं करूँगा। मान लीजिए कि सर अगर अभी, सर अभी रात हो रहा है ना सर, अब बात तो सुबह की और ये ब्रेकफास्ट की, तो तुमने नाश्ता कर लिया, मान लो अब ये तो उन्होंने नहीं कहा ना कि हम रात को पूछ रहे हैं कि सुबह का, उन्होंने कहा कि इंसान मान लो अभी अचानक अभी हम बैठे हुए हैं, अभी डिनर का वक्त है और कोई अचानक कोई आता, मैं कहता हूँ अच्छा जी डिनर हो गया जी, अब मैं हिंदी सोचू पंजाबी सोचू, मैं मुझे हैव यू ही बोलना है, मैं ऐसे बोलूंगा कि हैव यू हैड डिनर या टेकन, अभी हैड बोलूंगा तो लोग कंफ्यूज हो जाएंगे, हैव यू टेकन डिनर, ये मुझे बोलना है। इट मींस सर वी हैव ओनली आस्क हैव यू डिनर। हां, अगर आप थोड़ा स्टैंडर्ड करेंगे तो हैव यू हैड योर डिनर ऐसे बोलना पड़ेगा ना। जी जी जी, यहाँ पर ये जो हैड है वो थर्ड फॉर्म है प्रेजेंट ही है। तो सर डिड में हम नहीं कर सकते, हम डिड में नहीं करते हैं, लेकिन वो लोगों ने इंटरचेंजेबली उसको बना दिया है, मतलब वो ऐसा है कि मुंह से निकलता है, जैसे अभी बैठे बैठे हो गया मैं बोलूँ अक्षत से कि हे डिड यू टेक योर डिनर, तो मुंह से निकल जाएगा, वो समझ भी जाएगा जवाब भी दे देगा, लेकिन करेक्ट क्या है वो हैव से मैं बोलूँगा सर। करेक्ट, और सर जो मतलब प्रचलन में है जिसको, जैसे अभी सर हम लोग टेक की जगह हैव को यूज करते हैं, तो सर ये मोस्टली हम हैव को ही यूज करते हैं, मतलब जो
एक अच्छी इंग्लिश में अगर हम कहेंगे तो वो हैव ही कहेंगे। हाँ, खाने पीने में आजकल हैव चला है, उसका सेकंड फॉर्म हैड, थर्ड फॉर्म हैड। नहीं सर, जैसे डिड और हैव के लिए मैं पूछ रही हूँ, तो हमेशा अच्छा जो है वो हैव से ही पूछना अच्छा रहेगा। हैव यू हैड योर डिनर या हैव यू हैड योर ब्रेकफास्ट, इस तरह से। यही, यहाँ तक कि खाना हम किसी को पूछना है कि खाना बना लिया, उसमें भी नहीं सर। सर अगर मान लो पूछना है कि कल आपने मतलब कोई केक खा लिया था या कुछ, तो तब तो हेड से ही पूछना पड़ेगा ना। यस यस यस, देखिए अब मैं जरा ये भी कंफ्यूजन दूर कर दूं। मैं पूछता हूँ मान लो नीतू से कि नीतू कल क्या आपने कल केक खाया था, अब मैं हिंदी में था पे ज्यादा ध्यान नहीं देना है, मेरा एक ही मकसद है कि नीतू ने कल केक खाया या नहीं खाया। अगर ये पूछना है तो मेरा सवाल ऐसे कि did you eat cake yesterday? ये बोलूं। अब इनका सवाल है कि मैं had क्यों ना बोलूं, मैं had you eaten cake क्यों ना बोलूं। had का रूल है कि वो ऐसे नहीं आता है, हम हिंदी में नहीं सोचे, had तभी आएगा जब कुछ और भी हो। मुझे बोलना कि अच्छा एक बात बताओ, क्या तुमने 10 बजे से पहले केक खा लिया था, अब had आएगा। ओके सर, ओके। अब आएगा कि had you eaten cake before 10 p.m. कई लोग कहते हैं क्या एक लाइन में नहीं बोलेंगे, जरूरी है कि बिफोर ये हो, तो एक लाइन में हम तब बोलेंगे जब दो लोग बात कर रहे हैं। जैसे कि किसी ने बोला कि हे डिड यू, ऐसे बोला कि Didn't you take cake last night? किसी ने मुझसे सवाल किया, इसका मतलब है कि क्या कल रात तुमने केक नहीं खाया, ये तो बरोबर है, बिल्कुल क्लियर है। ओके, अब मैं कहता हूँ कि I had already taken cake, सिर्फ मैंने इतना बोल दिया कि मैंने पहले ही खा लिया था, तो इससे ये पता चला कि अच्छा जब लास्ट नाइट सारे लोग खा रहे थे उसके उनके खाने से पहले ही मेरा खाना हो चुका था, ये फीलिंग एक ही लाइन से पता चल गया। एक और सेंटेंस में दे दूं, ऑडियो ऑफ कर लीजिए प्लीज। जैसे मान लो सुमन कल मेरे घर आया और मैं नहीं था, ठीक है, सुमन वापस चला गया। अब सुमन जब मुझे दोबारा मिलता है तो सुमन क्या बोलेगा कि सर मैं कल आपके घर गया, ऐसे बोलेगा ना कि yesterday, एक मिनट, yesterday I went to your house. आप नहीं थे सर, you were not there, आप नहीं थे, ओके, ठीक है। अब इसको बोलना है कि सर आप कल कहाँ गए हुए थे, अब ये क्या बोलेगा, where did you go या where had you gone, सोचो, where had you gone, sir? अब यहाँ पर इनको had बोलना पड़ेगा कि where had you gone sir, where had you gone। अब देखो एक लाइन में हुआ कि नहीं, हो गया, एक ही लाइन है कि where had you gone, तो इससे ये छुपा हुआ है कि जब मैं आया तो मेरे आने से पहले आप कहाँ गए थे, चले गए थे, इतना छुपा हुआ है। लेकिन हमारी कॉन्वर्सेशन चल रही है तो जरूरी नहीं कि भूमिका बांध के बोले इतना लंबा। अब मैं मेरा जवाब अब तो मैं आई वेंट बोलूँ कि आई हैड गॉन बोलूँ, जवाब मेरा आई हैड गॉन सर, जी आई हैड गॉन टू मार्केट, मैंने एक ही लाइन आपके सामने, आपके सामने तो आप गए नहीं, मतलब मेरे सामने जी, क्योंकि भाई जब कल सुमन मेरे पास आया तो मैं उसके सामने तो मार्केट गया नहीं, मैं तो पहले ही गया हुआ था, तो या तो मैं किताबी भाषा बोलूं, ओए सुमन आई हैड गॉन टू मार्केट बिफोर यू केम टू मी रे, इतना बोलना पड़ेगा, ये तो नॉर्मल है, तो ये है रियलिटी। तो अब ये जो हिना को मैं थोड़ा सेटिस्फाइड कर दूं, एक मिनट से। तो हिना अगर आप प्रेजेंट में बेटा खड़े हो, प्रेजेंट टाइम, अब प्रेजेंट में ही पूछना है कि खाना हो गया, चाय हो गया, नाश्ता हो गया, आप हैव यू लगाना, हैव यू टेकन, और टेकन नहीं बोलना है तो आजकल टेकन की जगह पता ही क्या चला हुआ है, यू नो, और इसके बाद आप जो चाय नाश्ता पानी है सब लगा दो, सिंपल, ठीक है। चलिए जी आगे सर, यूज ऑफ टू का बता सर, टू का यूज बहुत होता है, कौन सा वाला टू करें, टीओ टू, देखिए मैं टू का इस्तेमाल वही बता सकता हूँ जो लिमिटेड है, लेकिन इसके बियॉन्ड एक रट्टाफिकेशन है, वो लिस्ट मुझे लानी पड़ेगी। जैसे अगर मैं सर, क्योंकि हम लोग बहुत बार देखते हैं ना कि एक एक सब्जेक्ट एक ही वर्ब रहता है, लेकिन टू टू करके सर वो सेंटेंस बढ़ते जाता है।
मैं टू अगर मैं टू को मैं छेड़ तो दूँ लेकिन ये खत्म नहीं होगा, मैं सिर्फ शुरू कर सकता हूँ। आपको पता है कि टू दो काम करता है, एक तो आपका प्रेपोजिशन बनता है, प्रेपोजिशन, ये प्रेपोजिशन बनता है। जब प्रेपोजिशन बनता है तो ऑफकोर्स ये किसको दिखाता है, डायरेक्शन को दिखाता है, आपको पता ही। जैसे मैं बोलूँ कि ओके आई वेंट टू मार्केट, तो ये सबको पता है कि बंदा गया तो उस पूरे डायरेक्शन को, उस लोकेशन को दिखाता है कि उस मार्केट को वो गया, मतलब डायरेक्शन पूरा वो लोकेशन दिखाता है कि उस जगह पे पहुंच गया, आई वेंट टू मार्केट। यही अगर मैं बोलूं कि पानी मेरे गले तक आ गया, पानी मेरे गले तक आ गया, मैं क्या बोलूंगा, वाटर केम टू माई मालो नेक। मैं टू भी कह सकता हूँ, मैं चाहूँ तो यहाँ पर अप भी लगा सकता हूँ, अप टू माई नेक भी कह सकता हूँ। अप टू का मतलब होता है ना कि तक, उस लेवल तक। तो यहाँ तक तो टू क्लियर है कि हम प्रेपोजिशन में यूज कर लेंगे, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना कि बार बार जो टू लगा होता है वो इन्फिनिटिव होता है, आपको कई जगह प्रेपोजिशन कई जगह इन्फिनिटिव दिखेगा। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। मैं बोलूँ आई वॉन्ट टू गो टू मार्केट टू मीट माई फ्रेंड टू हैव फन विद हिम टू मेक दिस मोमेंट मेमोरेबल टू मेमोरेबल, खाली इतना, ज़्यादा टू नहीं लगाते। अब मैंने रेंडमली कुछ लिख दिया, टू गिनते हैं जरा, टू गिनते हैं जरा, एक टू टू गोस आर इन्फिनिटिव, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कई बार ना टीचर को ना कुछ लिस्ट के साथ बैठना चाहिए, मैं कभी लिस्ट के साथ नहीं बैठता हूँ, दिक्कत मेरी ये है। हाँ जी, अब बताइए किधर है प्रीपोजिशन, किधर टू मार्केट प्रीपोजिशन है, बिकॉज़ प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आना जरूरी है सर। या तो मैं यहाँ बस इतना बता रहा हूँ कि ये जो दो चार पांच जो टू दिखाई दे रहे हैं, ये तो वांट टू गो, ये जो टू गो है ये प्रीपोजिशन है, आई वांट टू गो, ये जो टू देख रहे हैं ना आप, मैं जाना चाहता हूँ, सॉरी ये इन्फिनिटिव है, सॉरी मैं प्रीपोजिशन कह रहा हूँ, आई वांट टू गो ये इन्फिनिटिव है, ओके, और ये टू प्रीपोजिशन है, पहला इन्फिनिटिव हो गया, दूसरा प्रीपोजिशन हो गया, बाकी ये इन्फिनिटिव है टू मीट माई फ्रेंड, ये इन्फिनिटिव है टू हैव फन, ये इन्फिनिटिव है टू मेक, सब इन्फिनिटिव है, खाली यहाँ पर ये जो टू मार्केट है ये एक प्रेपोजिशन है, बाकी इन्फिनिटिव, तो आपको इन्फिनिटिव दिखता है। इन्फिनिटिव का मतलब क्या होता है, पर्पस, पर्पस, मैं जाना चाहता हूँ बाजार, क्यों जाना चाहता हूँ, टू मीट माई फ्रेंड, दोस्त से मिलने के लिए, क्यों मिलना, टू हैव फन, मजे करने के लिए, ओके, क्यों करना है, तो टू मेक दिस मोमेंट मेमोरेबल, उस मोमेंट को मेमोरेबल बनाने के लिए, हिंदी में के लिए वाली फीलिंग देता है। yes, तो अब है कि कैसे करें, तो आपको पता चल गया कि पर्पस है, तो आप भी सेंटेंस जोड़ दीजिए ना, आप बोलिए कल मेरी गर्लफ्रेंड मेरे पास आई, कैसे बोलेंगे, टू मेक अदर बॉयज रियलाइज, to otherwise realize, खाली इतना छोड़ देता हूँ, तो इसका क्या मतलब है, कुछ भी मैंने लिख तो दिया है, came to me, ये to क्या है, ये सर preposition है, preposition, ये preposition है, to teach, because इसके बाद pronoun है, हाँ, to teach, ये infinitive, to teach, infinitive, 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 to make, पढ़ाने to के make लिए, infinitive, 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 तो हम जब लिखेंगे, ये भी अगर ज्योति जी देख रही है तो उनके लिए भी सही है, सेंटेंस को कैसे छोटा करते हैं, ये टू से भी कर सकते हैं sir. तो ये सारा पर्पस है कि वो मेरे पास आई मुझे एक लेसन सिखाने के लिए, टू मेक अदर बॉयज रियलाइज, दूसरे लड़कों को ये रियलाइज दिलाने के लिए, ऐसे करके हम सेंटेंस जोड़ सकते हैं सर, इसके साथ एक इन ऑर्डर टू का भी इस्तेमाल तो कर सकते हैं, तो एक छोटा सा लिए, छोटा सा आपका एक idiom जैसा है वो, तो बस ऐसे यूज कर सकते हैं कि इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश,
अंग्रेजी सीखने के लिए, और जरूरी नहीं कि इन ऑर्डर लोग लगाए, मैं ये हटा देता हूँ, मैं खाली टू लर्न इंग्लिश बोलूंगा तो क्या करेक्ट नहीं होगा? वो भी करेक्ट होगा। ये तो एक इतना बड़ा एक जुमला है, एक छोटा सा नहीं होता है, बना बनाया है, लगा दो, थोड़ा स्टैंडर्ड है ये। तो इन ऑर्डर टू लर्न इंग्लिश यू शुड प्रैक्टिस एवरी डे, प्रैक्टिस एवरी डे, हो गया अंग्रेजी सीखने के लिए। जी इंग्लिश में कैसे बोलेगा, मुझे जहाँ पर भी भेजेगा मैं डेफिनेटली उधर ही जाऊंगा। वेयर एवर आई एम सेंट आई वुड डेफिनेटली गो टू देयर। क्या था जहाँ, क्या बोला, जहाँ जहाँ पर मुझे भेजेगा मैं वहाँ पर जाऊंगा। आसिफ, वेयर एवर आई एम सेंट। अच्छा हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गया। ये अफगानिस्तान लोगों का टोन एक्सेंट समझना मुश्किल है क्या? वेयर एवर जहाँ भी मुझे भेजा जाएगा, हाँ, वेयर एवर आई एम सेंट, करेक्ट है, मैं जाऊंगा, आई विल गो, करेक्ट है, करेक्ट, करेक्ट, क्योंकि इधर वाला आपको पता है कि इधर वाला प्रेजेंट में लेते हैं और इधर वाला फ्यूचर में लेते हैं, मतलब ये कंडीशनल ही तो है, ये फ्यूचर कंडीशन है, उसका थोड़ा सा पैसिव हो गया। सर ये कैसे बोलेंगे अगर हम कोई ऑफिस में जा रहे हैं तो उनसे बोलेंगे कि मुझे राम ने भेजा है, तो ये कैसे बोलेंगे मुझे राम ने भेजा है? राम इज सेंट टू मी, सेम ऐसे ही। नॉर्मल है, कुछ खास नहीं। सर एक एक सेंटेंस है कि जब मैं क्लास 10 मत एग्जाम था तो मैं जब वेयर एवर आई एम सेंट आई विल गो देयर। सर इट इज प्रेजेंट पैसिव वॉइस, आई एम सेंट। हां हां, यस यस, आई विल गो देयर। जहां भी मुझे भेजा जाएगा मैं वहां जाऊंगा, आई विल गो, फ्यूचर सिंपल। जी जी सर, एक सर एक सेंटेंस है, जब मैं एग्जाम देने जा रहा था तो लोगों ने मुझे डराना स्टार्ट कर दिया कि एग्जाम बहुत टफ होता है। तो सर द पीपल स्टार्टेड मेकिंग मी फियर, ये इसको ऐसे ट्रांसलेट करें। डराना देखना पड़ेगा कि कैसा डराना है, क्या वो आपको स्केयर कर रहे थे, आपको इंटिमिडेट कर रहे थे? मतलब वो डराना कि बहुत टफ होता है अच्छे से देना एग्जाम, मतलब वैसा वाला कि कैसे बताया कि एग्जाम बहुत टफ होता है। आई थिंक ये भी स्केयर में ही आ जाएगा। They started scaring me of exam, scaring me of exam का कुछ और आप दिखा दो कि उसके question के बारे में डराने लगे कि hard question आएगा, started scaring me of hard questions। तो ये है जैसे आप कह रहे हैं कि making me fear, मैं समझ रहा हूँ आप कैसे वो causative की तरफ कहना चाह तो रहे हैं, मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं कोशिश करता हूँ मैं वो भी लोगों ने स्टार्ट किया सर, मैं तो खुद तो नहीं डर रहा, समझ गया इनका इशारा कॉजिटिव की तरफ। यस सर, कॉजिटिव वर्ब, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूं कि उसने मुझे डरा दिया, उसने मुझे डरा दिया, तो होता है कि ही मेड मी, अब उसने मुझे डरा दिया तो अगर आप कहते हो कि ही मेड मी, अगर आप कहते हो कि ही मेड मी, फिर आप क्या बोलोगे? He made me scared बोलोगे, ऐसे बोलोगे? Third form। आपको ऐसे बोलना पड़ेगा। He made me scared। हाँ, he made me scared। तो आपको लगता है कि ये positive है? नहीं। ये positive नहीं है। नहीं, मैं अगर यहाँ पर ऐसे बोल दूँ, he made me fool। मैं ये बोल दूँ, क्या ये positive है? ये positive नहीं है। ये वाकई मेक का एक इस्तेमाल है, एक नॉर्मल नहीं होता है चाय बनाना, मेक नहीं बोलते हैं, ये वैसा है, ये वो नहीं है, तो ये पॉजिटिव नहीं है। ओके, हाँ अगर मैं इसकी जगह ऐसा बोल दूँ कि ही मेड मी स्लीप, अब क्या है ये? ये पॉजिटिव है, ही मेड मी स्लीप यानी कि उसने मुझे सुला दिया। ओके, तो एक्शन मतलब है कि मैं डरा नहीं, ही स्केयर्ड मी, ऐसा कह सकते कि ही स्केयर्ड मी, उसने मुझे डरा दिया, और नहीं तो ही मेड मी स्केयर्ड का मतलब पॉजिटिव नहीं हुआ, नॉर्मल कि उसने मुझे डरा हुआ सा बना दिया, यू नो He made me scared. आप ऐसे बोलो। Panic भी use कर सकते हैं। Panic can use panic instead of scared.
He made me panic. पैनिक का मतलब वही नर्वस टाइप है, बिल्कुल करेक्ट है, बोल सकते हैं. मतलब आपको किसी ने डिस्टर्ब कर दिया, पैनिक कर दिया, कंफ्यूज कर दिया, आप आराम से बोल सकते हो, क्या दिक्कत है. मुझे डांस करने का मन नहीं था बट उसने जबरदस्ती डांस करवाया. हाँ, ये पॉजिटिव है, ये सही है. He made me dance, ये सही है. तो सर एक्शन एक्शन वाला आएगा सर. सर ये पॉजिटिव है, ये क्यों नहीं है सर? मतलब क्योंकि सर ही मेड मी फूल, उसने मुझे मूर्ख बनाया. हाँ ये नॉर्मल नॉर्मल पास सिंपल है, ये पॉजिटिव नहीं है. और सर अगर ही मेड मी स्लीप, ये पॉजिटिव है, उसने मुझे सुला दिया. हाँ ये पॉजिटिव है बिकॉज़ वी यूज़ अ स्लीप एक्शन. जी इनका सवाल आ रहा है कि ये क्यों नहीं है. अभी क्यों नहीं है कि मैं ऐसे समझाऊं, यहाँ पर जो आप देख रहे हो ही मेड मी स्लीप, यहाँ पर कौन सी फॉर्म आ रही है? यहाँ पर हमें वर्ब फर्स्ट यानी कि एकदम बेस में चाहिए. क्या बोलते हैं, बेयर इन्फिनिटिव, कुछ चेंज कुछ नहीं होना चाहिए. स्लीप है तो सर वहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है इस वजह से. जी यहाँ पर अगर इनके कहने के मुताबिक मैं स्केयर कर भी दूं, ही मेड मी स्केयर, तो ऐसा लग जाएगा कि इसने मुझे मेरे से किसी को डरवा दिया, यू नो ऐसी फीलिंग आ जाएगी. ही मेड मी स्केयर राम, थोड़ा एक और जोड़ देता हूँ. आपको समझ में आ रहा है? उसने मुझे ऐसा कर दिया कि मैंने डरा दिया राम को, कुछ अजीब हो जाएगा. तो ऐसा ना करें. जैसे मैं इसकी जगह अगर ऐसा लिख दूं कि ही मेड मी ड्राइव अ कार, अब इसका मतलब समझ रहे कि उसने मेरे से कार को ड्राइव करवा दिया. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो स्केयर का जब स्केयर का मतलब क्या होता है कि वो डराने में आ जाएगा. डरने के लिए आपको थर्ड फॉर्म में लेना पड़ेगा कि आई एम स्केयर्ड, मैं डरा हुआ हूँ. हम कभी ऐसा नहीं बोलें कि आई एम स्केयर. अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं डर रहा हूँ तो आई एम स्केयरिंग नहीं होगा, ये गलत है. स्केयर मतलब डराना. क्या होगा? आई एम गेटिंग स्केयर्ड, आई एम गेटिंग स्केयर्ड. और ये गेटिंग कोई पैसिव वो नहीं है, पॉजिटिव नहीं है. आई एम गेटिंग स्केयर्ड का मतलब जैसे आई एम गेटिंग नर्वस, आई एम गेटिंग मैरिड, आई एम गेटिंग एक्साइटेड, वैसे ही आई एम गेटिंग स्केयर्ड, आई एम गेटिंग कन्फ्यूज्ड, ये है. कुछ समझ में आया कि मैं ऐसे बोल रहा हूँ? कुछ आ रहा समझ में? नहीं सर, आ रहा सब आ रहा है. अरे मैं भूल ही गया. बिल्कुल दिमाग से निकल. मैं शीतल का थोड़ा सा वो एक्सप्लेन कर दूं, शीतल का छूट गया था. ओके क्या था शीतल की यूज टू वुड का अंतर क्या है? यही दो जगह यूज मत करना शीतल. एक जगह यूज मत करना स्टेट ऑफ बीइंग में. जैसे कि मैं बोलूं कि मैं एक डांसर हुआ करता था. डांसर होना तो स्टेट ऑफ बीइंग है ना, ये तो कोई एक्शन नहीं है. मैं डांसर हूँ तो मैं डांसर हुआ करता था. तो अगर मैं कहता हूँ कि आई यूज टू बी अ डांसर, एकदम करेक्ट है. अब कोई बोले कि यूज टू की जगह वुड डाल दे, तो आपने बोला कि ठीक है डाल देते. आई वुड बी, आई वुड बी अ डांसर. अब ये गलत है, यहां पर हम नहीं बोल सकते. दिस इज रॉन्ग, इसको नहीं बोल सकते. ओके मैं उसका बॉयफ्रेंड हुआ करता था. आई यूज टू बी हर बॉयफ्रेंड. एक मिनट जरा. अब इसकी जगह कोई बोले मैं तो वुड लगा दूंगा, तो गलत हो जाएगा. आई वुड बी हर बॉयफ्रेंड नहीं होगा, ये गलत. सर अब इसकी हिंदी क्या होगी? बी आर बॉयफ्रेंड. इसकी हिंदी मॉडल वाली होगी कि मैं उसका बॉयफ्रेंड होऊंगा, अंदाजा वाला होगी. ये अजीब अंदाजा वाला होगा. तो इसलिए यूज टू में एक ये ना करे. और एक जगह और गलती ना करे, उसका नाम है स्टेट ऑफ पोजेशन. जैसे मैं बोलू कि 2010 में मेरे पास एक बाइक हुआ करती थी, ऐसा होता है ना बोलते हैं. तो आई यूज टू हैव अ बाइक इन 2010. ये करेक्ट है. अब आप यूज टू को रिप्लेस कर दोगे वुड से. आप बोलोगे आई वुड हैव अ बाइक इन 2010, ये गलत है. ऐसा नहीं बोल सकते. सर अभी आपने एक ऊपर सेंटेंस दिया था ना, इसलिए मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था. जी जी. I would have a car. नहीं वो फन था. Would have fun वाला होगा शायद.
नहीं मैंने कुछ पढ़ाया नहीं, मैं पढ़ाऊंगा और थोड़ा फुर्सत से ही पढ़ाऊंगा, मैं लाऊंगा पहले गुच्छा, ओके तभी कुछ होगा वो। मैं समझ गया ज्योति जी ने जो कहा, मुझे थोड़ा काम करना पड़ेगा, ढूंढना पड़ेगा, लाना पड़ेगा। ठीक है गाइस, ठीक है दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, कुछ ज्यादा ही वक्त हो गया है, ओके जी सर, गुड नाइट, थैंक यू सर, थैंक यू सर। बता दीजिए पेमेंट वगैरह का। अच्छा वो फोन पे कौन कौन से पे होते हैं उसी से आप पेमेंट कर सकते हैं, गूगल पे, फोन पे और जाने इतने पे हो गए। हाँ गाइस जब मैं पढ़ाता हूँ ना, मुझे बच्चों से फीस मांगते हुए बहुत खराब लगता है, मैं वैसा टीचर नहीं हूँ, वो प्रोफेशनल टाइप की फीस जमा कराओ ये करो, मुझसे नहीं होता वो सब, मैं बस आई जस्ट लव माय स्टूडेंट्स एंड आई लव माय वर्क, इसीलिए मैं ज़्यादा ऑनलाइन क्लासेस नहीं देना चाहता हूँ। थैंक यू। तो पेमेंट वेमेंट आप लोग खुद ही अपना देख लेना, क्या किसका कौन डेट है कैसे, मैं ज्यादा याद भी नहीं रखता। संडे तक करा दूंगी। हाँ नो इशू, कभी कोई बाउंडेशन ऐसा नहीं। सर देख लीजिए वो मंडे को आप जिस बैच में, क्योंकि 7 PM का बैच ही सूट करेगा, उससे पहले बच्चों का ऑनलाइन सेशन चल रहे होते हैं तो प्रॉब्लम रहती है मेरे लिए। हाँ तो सही आपके लिए ये बैच सही, तो थोड़ा एडवांस है ना 7, तो देख लेना आप मेरे को फिर उसके अकॉर्डिंग। मंडे से एडवांस आपको नहीं लगेगा, मंडे से ना स्पीकिंग में चालू कराने वाला हूँ तो आपको इजी लगेगा। ठीक है सर, बट अभी हेजिटेशन है मेरे को काफी। अच्छा तो मैं वो काम कराऊंगा, आपको फीडबैक भी दूंगा, हो जाएगा। सारे लोग सपोर्टिव है, ग्रुप में बन के रहिए, सब सपोर्टिव है यहाँ पर। थैंक यू सो मच सर। ओके ओके। हां सर, डू वी हैव क्लास टुमारो? डू वी हैव नो, सैटरडे संडे वी डोंट हैव। सैटरडे संडे वी डोंट।